हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि जो भी वाटर डैमेज का सेट होता है वो कहां से डेड होने का चांस होती है। जैसे कोई भी सेट अगर पानी में गिरता है या फिर पटकाता है तो कहां से आपको चांस होता है कि वो डेड होता है, ठीक है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे डेड होता है और कहां से ये डेड होने का चांस होती है। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको सब बोर्ड की तरफ से चलते हैं तो सब बोर्ड में देखना है कि जो सब बोर्ड होते हैं उसमें आपका कंपोनेंट बहुत सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट लगे रहते हैं, अगर वाटर डैमेज इस तरह से हुआ है, मान लिया जाए कि आपका जो सीसी की तरफ से आपका वाटर डैमेज होता है या फिर आपका मदरबोर्ड की तरफ से होता है, तो उसके अनुसार आगे देखना है। मान लीजिए कि अगर आपका जो सेट है इस तरह से गिरता है अगर सब बोर्ड की तरफ से, तो उसी के अनुसार आपको चेक करना है कि किस तरह से डेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सब बोर्ड से तरफ से जाना है। तो सब बोर्ड को चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट कर लेना है। बजर रेंज पर सेट करने के बाद आपको टिप्स पर चेक करना है। जैसे टिप्स पर कहाँ कहाँ चेक करना है वो भी बता दूंगा कि कहाँ आपको चेक करना है। तो क्या करना है कि आपको जो ग्राउंड होती है उस पर आपको रेड प्रोब को रख लेना है। रेड प्रोब को रखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो नेगेटिव है वो आपको क्या करना है कि जो कंपोनेंट होते हैं उस पर आपको चेक कर लेना है। तो चेक करने के लिए बता देता हूँ कि जो भी कंपोनेंट आपका पैरेलल में लगा रहता है वहीं पर आपको चेक करना है। जहाँ जहाँ आपका पैरेलल में आपका कंपोनेंट लगा रहेगा, जैसे कैपेसिटर हुआ, आपका कोई भी रजिस्टर हुआ, जो भी पैरेलल में लगा होता है उस वही कंपोनेंट को देखना है कि आपका कंपोनेंट होता है जो क्या होता है कि पैरेलल में होता है। इसकी वजह से आपका जो है वो शॉर्टिंग हो जाता है। शॉर्टिंग होने की वजह से वो सेट होता है जो डेड हो जाता है। तो डेड चांस होती है कि ज़्यादा फुल शॉर्टिंग से होती है, लेकिन कुछ कुछ सेटों में मिलेगा कि आपका हाफ शॉर्टिंग में होती है। तो हाफ शॉर्टिंग में चेक करने के लिए आपको जो बताना चाहेंगे कि जो आप बैटरी कनेक्टर होते हैं, बैटरी कनेक्टर पर आपको देख लेना है कि आपका फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्या करना है कि आपको रेड प्रोब को ग्राउंड पर रख लेना है और उसके बाद आपका जो बैटरी कनेक्टर BC है, BC पर आपको टिप्स पर देखना है। एक तो आपका ग्राउंड रहेगा, दूसरा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आपको पॉजिटिव पर देखना है कि आपको ग्राउंड पर जैसे ही आप एक प्रोब को रखिएगा रेड प्रोब को, तो आप रेड प्रोब पर जब रेड कनेक्टर पर आप चेक कीजिएगा, जो BC का रेड होता है उस पर आप चेक कीजिएगा, तो आपका वैल्यू होता है जो क्या होगा रिवर्स में देगा, तो 450-500 के बीच में देगा। और फिर उसको फॉरवर्ड में जब चेक कीजिएगा, जैसे ग्राउंड पर रेड आपको नेगेटिव रखना है और रेड पर पॉजिटिव रखना है, उस पर चेक कीजिएगा, तो आपका जो प्रोब चेक रखने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका 1200 से अगर ऊपर जाता है, 1200-1800 आता है, तो उसमें आपका कुछ शॉर्टिंग दिखाएगा। अगर जितना वैल्यू आपका ज़्यादा रहेगा वो शॉर्टिंग कम रहेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपका 1800-1600 जा रहा है, वैल्यू जा रहा है, तो उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं रहेगा। जैसे आप अगर प्रोब को जैसे ही रखते हैं, आप नेगेटिव पर आप नेगेटिव को रखते हैं और पॉजिटिव को रखते हैं, तो आपका अगर 1 आ जाता है, मतलब फॉरवर्ड में रखने पर आपका 1 आ जाता है, तो आपका समझिए कि वो आपका जो सेट है वो प्रॉपर ओके कंडीशन में है, ठीक है, डेड नहीं है। और उसके बाद आप फुल शॉर्टिंग में देखना है, तो फुल शॉर्टिंग में जैसे ही देखना होगा, तो आप जैसे ही दोनों प्रोब को कहीं भी रखिएगा, दोनों साइड में नेगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव पर रेड प्रोब रखिए या नेगेटिव पर प्रोब रेड प्रोब रखिए, तो दोनों में रखने के बाद आप चेक कीजिएगा, तो आपको दोनों साइड जीत देगा, तो समझिए कि फुल शॉर्टिंग में वो सेट है जो डेड है। तो और उसके बाद आता है कि नेगेटिव पर रखते हैं और पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव पर रखते हैं, तो उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो 1200-1600-1400-1300 जैसे ही आएगा, तो समझिए कि वो हाफ शॉर्टिंग वाला आपका सेट है, डेड है या डेड भी नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब कि हाफ शॉर्टिंग में डेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वही वही कंडीशन है कि आपका जो है सेट आपका।